कहने में संकोच क्या है, ये हिचकिचाहट क्या है? अच्छा लग रहा है, उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, रामोत्सव है, राष्ट्रीय उत्सव है। मैंने शायद 10 बार पूछा अच्छा लग रहा है, वो कह रहे हैं बुरा क्यों लगेगा। देखिए, वो समाजवादी पार्टी की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप कम से कम इतना तो बात है कि कोई बुरा तो नहीं कह रहा है ना। हम कम से कम इसी को एक सकारात्मक स्टेप मानते हैं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं, हम एक दौर में जानते क्या बोलते थे, जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और मैं बालक के रूप में उसमें कई आंदोलनों में गया। अप्रैल 87 में मैं अयोध्या भी गया था, जब रैली हुई थी मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर ताला खुलने के बाद, तो हम लोग कहते थे रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। मगर आज देखिए, भगवान ने वो दिन दिखाया है कि सर्वत्र जो इन्होंने कहा कि कण कण में राम है, तो जो तुलसी ने कहा था सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, तो अब सब तरफ दिखाई पड़ रहे हैं और इस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ये राम की कृपा देखिए, राम की महिमा देखिए, राम की लीला देखिए, कि किसी जमाने में कहा जाता था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, आज 100-100 जहाज आकर 22 तारीख को उतरेंगे और इतने जहाज आच्छादित दिखाई पड़ेंगे कि ऐसा लगेगा कि उस युग में एक पुष्पक विमान उतरा था, आज कतार लगी होगी एक के बाद एक विमान उतरने की। तो मैं कहता हूं एक सकारात्मक दृष्टि से देखें भविष्य के लिए। हम लोग यहां कहा जाता है ना, गता सूनश्च अगता सूनश्च नान्यम शोचंती पंडिता, जो गुजर गया उसे छोड़ें, और अब हम तो राम के उस आदर्श में विचार करते हैं। बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, किसी से कोई बैर नहीं है, सबसे विषमता समाप्त। इसीलिए श्री राम जन्मभूमि न्यास को देखिए, उसने किस किस को इन्वाइट किया, विरोध करने वालों को इन्वाइट किया, गोली चलवाने वालों को इनवाइट किया, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे इकबाल अंसारी उनको भी इनवाइट किया। यह हिंदू धर्म की, श्री राम की मर्यादा की, महानता की, उदारता की उस परंपरा के अनुरूप है जिसमें कहा जाता है कि जब रावण मृत्युशैया पे पड़ा था तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, जाओ ये भले ही राक्षस है परंतु इसके पास एक गुण है, जो इसके पास ज्ञान है वो इससे ले लो, तो हम तो उसमें विचार करते हैं, यदि किसी के पास एक गुण भी है तो उसका हम सम्मान करते हैं। तो मैं कहता हूं आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस महानता के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें उदारता का भी वो लक्षण है जो श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण से श्री राम जन्मभूमि के आदर्श के रूप में प्रकट होगा। लेकिन सुधांशु जी, रावण भी था, रावण भी सनातन विरोधी तो नहीं था, सनातन के सफाई की बात तो नहीं करता था, आपने जो भी तुलना की परोक्ष रूप से, रावण भी था कम से कम सनातन विरोधी नहीं था, सनातन के सफाई की बात नहीं करता था, और जो पूरी रामायण रची गई वो किस तरह से रची गई वो भी आप जानते हैं, कम से कम सनातन विरोधी तो नहीं था। देखिए समस्या क्या हो गई है कि कुछ लोग उनकी सुई पुराने जमाने में अटक गई है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, पहले भी मैंने कहा था, ये जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म चेन्नई में कॉन्फ्रेंस हुई, कोई स्टेटमेंट नहीं था, मतलब हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश, इस विषय के ऊपर बाकायदा एक सेमिनार हो रहा है कैसे करना, और ये ऐसे नहीं था अमन जी। मैं आपके करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं, पिछले साल आपने देखा होगा कि दुनिया में कई जगहों पे कॉन्फ्रेंस हुई डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी सारी दुनिया से हिंदुत्व को कैसे नष्ट करना है, फिर यहां आया हिंदू धर्म का समूल नाश करना है। ये जानते कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको 1960 के दशक में, 70 के दशक में विदेशी शक्तियों के द्वारा एक एजेंडा दिया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं इन लोगों को पता है, ये लोग तो उस जमाने में बहुत बच्चे रहे होंगे, ये उसके टूल बन गए हैं पता नहीं जाने अनजाने। और अब मैं कहता हूं दर्शकों से, मेरी बात पर भरोसा मत करिए, ये जो बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, इनके जो डॉक्यूमेंट डिक्लासीफाइड हुए हैं केजीबी के, सीआईए के, पढ़िए कैसे भारत में हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए बाकायदा एक दुष्प्रचार का अभियान चलाया गया था, ताकि हर व्यक्ति के मन में अपनी संस्कृति धर्म के लिए हीन भावना नहीं घृणा का भाव आए, क्योंकि किसी को इसको मार्केट सोसाइटी में कन्वर्ट करना था, किसी को पूरे भारत को कम्युनिस्ट बनाना था। और रेफरेंस के लिए भी बता दूं, मित्रों किन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए, यूरी बैजमेनेव के संस्मरण पढ़ लीजिए, यवग्ना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट पढ़ लीजिए, और सीआईए के एक अधिकारी की किताब इन कन्वर्सेशन विद द क्रो पढ़ लीजिए, सारा स्पष्ट हो जाएगा। ये आज जो बोल रहे हैं ना, ये उसके बचे खुचे हैं। मगर चिंता मत करिए, एक वक्त वो था
और एक वक्त ये है, ये वक्त जानते क्या है, हम इस समय उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। एक दौर था ढांचा गिरने के बाद हम लोगों की सरकार नहीं आ पाई थी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के 178 एमएलए थे, 107 सपा के थे, 67 बसपा के थे, दोनों मिलाकर भी 74 हो रहे थे, तब 56 कांग्रेस ने सपोर्ट करके बनाए थे जी। और एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब हमारी एक नेत्री ने कहा था कि वो शक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई है, जिस दिन आप वास्तविक शक्ति दिखाएंगे उस दिन जो नारा लगता है कि मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम का काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और वो आज दिखने लगा है, तो मैं आज सुखद अनुभूति है कि सभी जय श्री राम बोल रहे हैं। आपको क्यों लगता है ये इलेक्शन गिमिक है बीजेपी के लिए, प्रभु राम इनके लिए राजनीतिक मुद्दा आपको क्यों लगते हैं, और क्यों विपक्षी पार्टियां 22 जनवरी को निमंत्रण को ठुकरा रही हैं? पवन जी, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा, उसके पहले जो आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि हमने सबको आमंत्रित किया, जिन्होंने विरोध किया उनको भी आमंत्रित किया, सारे लोगों को आमंत्रित किया, एक त्रिलोकीनाथ पांडे जी हुआ करते थे, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़िएगा, प्रभु श्रीराम के बाल सखा थे, क्योंकि प्रभु श्रीराम को अयोध्या में बाल रूप में दिखाया गया है, तो त्रिलोकीनाथ पांडे जी बाल सखा थे उनके, उनकी डेथ हुई अभी एक दो महीने पहले। आज उनका परिवार गिड़गिड़ा रहा है कि हमें राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया जाए, तो आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट का चरित्र क्या है कि जिन्होंने बाल सखा के रूप में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा, और आप उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के निकालकर देख लीजिए, उसमें उनका नाम अंकित है स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पांडे का। आज उनका परिवार को आपने क्यों नहीं बुलाया जो सुप्रीम कोर्ट में लड़े? दूसरी बात, राम जन्मभूमि आंदोलन, मैं भी बच्चा था, मैंने देखा है उस समय, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पहले अखबारों और चैनलों पर बयान चलता है कि आडवाणी और जोशी जी को मना कर दिया गया, जब सोशल मीडिया से लेकर चैनलों पर बेइज्जती हुई तो विश्व हिंदू परिषद के लोग कार्ड लेकर पहुंच गए। उस समय अयोध्या में कहा जाता था बजरंगी विनय कटियार फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे, आज कहां है विनय कटियार? उमा भारती जी उस समय अयोध्या बहुत आती थी, दिन रात लोगों को ललकारती थी, आज उमा भारती जी कहां है? तो आपने किन लोगों को आमंत्रित किया, कैसे आमंत्रित किया, और कितने लोगों को अपमानित किया? ये सारे मैंने बहुत ढेर सारे नाम अगर मैं गिनाऊंगा तो मैं अपनी और बातें नहीं कह पाऊंगा, मैंने कुछ उदाहरण देकर बताया कि जो आप बता रहे थे। और राम क्या है? भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड मेरी बात कर, एक सेकंड नहीं रुक जाइए, आपने इतना मौका बड़े भाई को, बीच में उनको भी डुकूंगा, सवाल, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, दो मिनट बोलने पवन जी, बीच में एक सवाल, क्या आपको ठीक है अपमान हुआ? वो नहीं हुआ त्रिवेदी जी जवाब देंगे, मैं नहीं जवाब दूंगा, लेकिन क्या आपको सहानुभूति है इन लोगों के साथ और आप इनके किए के साथ हैं? पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, दूसरी बात, नहीं पहली बात, आप अयोध्या की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की बात करते हैं। पवन जी एक सवाल बीच में, क्या कारसेवकों के साथ हैं आप? देखिए बात यहां पर सहानुभूति गलत या सही की नहीं है, कारसेवकों के साथ बात गलत या सही की नहीं है, जो लोग आपके दल के थे आपको पीड़ा हुई तो क्या लड़ा भाई? अगर आप ये बता रहे हैं कि हमने जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे जो उसकी तरफ से लड़ रहे थे हमने उनको निमंत्रण दिया, तो हमारा यह सवाल है कि जो उस लड़ाई को लड़ रहे थे आप उसको कैसे भूल गए? सही लड़ाई लड़ रहे थे वो, सही गलत मैं नहीं जानता। अरे तो आप उनके साथ हैं ना, उनके दर्द में आपको पीड़ा हो रही है भाई, जो आप उनके साथ हैं? हमें कोई पीड़ा नहीं है, आपकी बात की बात कर रहा हूं भाई, आपके दल का मामला उन्हें बुलाओ ना बुलाओ, अपमानित करो आप जानो, हमसे क्या मतलब? तो फिर क्यों बोल रहे हैं? फिर वही बात है जो आप बता रहे हैं कि हमने पक्षकारों को बुलाया, बोलिए जब वो बता रहा है हमने पक्षकारों को बुलाया तो मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, आप बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम, ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि वो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे हुए, उनके आगे मर्यादा शब्द कैसे लगा, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हुए, समझना चाहिए। जिस दिन ये समझ जाएंगे मुझे लगता है उस दिन सबसे अच्छा बात होगी। आज क्या स्थिति, आप जाकर अयोध्या में देखिए होल्डिंग लगी हुई है, आज अयोध्या में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर देश के प्रधानमंत्री कैमराचार्य जी ना होते तो प्रभु श्रीराम को कोई जानता ना। अगर आप कहेंगे तो निकाल के फोटो दिखा दूंगा, प्रधानमंत्री जी की बड़ी फोटो लगी हुई है और प्रभु श्रीराम उनके चरणों में पड़े हुए हैं, ऐसी फोटो अगर लगाई जा रही है तो प्रभु श्रीराम का अयोध्या में अपमान है कि सम्मान हो रहा है, यह आपको देखना और सोचना चाहिए। ठीक, सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उस दौर में जो शासन था वो कैसा था और आज सुर कैसे बदले हैं, दोनों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग उस समय
ये कहते थे ये तन प्रभु राम का मन प्रभु राम का तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, आस प्रभु राम की श्वास प्रभु राम की तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, लोक पर लोक यही यही मोक्ष धाम है तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और आगे क्या कहते थे, शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। यह हमारी सौगंध थी। परंतु आज वो कष्ट बहुत था उस समय, मगर आज एक सुखद अनुभूति है कि जिनके ऊपर गोलियां चलाई जिन्होंने, जिन्होंने लाठियां चलाई, जिन्होंने डॉक्टर जोशी अडवाणी जी को 120 बी का मुजरिम और अपराधी बनाया, जिन्होंने गिरफ्तार करवाया, आज उनकी हमदर्दी उनके प्रति देखते बनती है। वो जो एक पुराना गीत था ना, वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे ना तुम हम रहे ना हम, और तुम भी हो गए हम, हमें इस बात को लेकर एक प्रसन्नता है। यह भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। मगर कष्ट हमारे मन में क्या क्या था जिसे हम लोगों ने भुलाया है, या भुलाया नहीं मतलब हमें स्मरण रखा है, परंतु इस अवसर के लिए हमने उसके प्रति वो किया है। गोलियां चली थी कितनी, 300 से अधिक, 324 लोगों के मारे जाने और घायल होने का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बिशेंदु पचंद ने दिया, यूपी गवर्नमेंट ने 16 माना था। कोठारी बंधुओं के सर पर रख के गोली मारी गई थी। इन सारी यातनाओं और वेदनाओं के बाद भी आज जिस उदारता का परिचय दिया है, मुझे लगता है ये, और एक और बात लोगों को याद दिलाऊं, मान्यवर श्री रामलला टाट में नहीं थे, जब वो टाट फट जाता था तो सरकारें उसकी रिपेयरिंग नहीं कराती थी, कोर्ट जाना पड़ता था तब वो टाट रिपेयर कराया जाता था। और तो और सिक्योरिटी में इतनी कोताही की जाती थी कि जून 2005 श्री राम जन्मभूमि पे आतंकवादी हमला होता है और एक बम था जो कि उस टीले के नीचे फेंका गया था, ये तो ईश्वर की कृपा थी या देव कृपा थी कि वो बम फटा नहीं, अन्यथा तो जहां श्री रामलला का विग्रह रखा हुआ था वो पोर्शन ही उड़ जाता। इतनी परिस्थितियां जैसी थी। और उसके बाद ठीक है कोई बात नहीं, कोई जिसे कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रची राखा, का करी तर्क बड़ा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। वैसे हमारे विरोधियों को अच्छा ना लगे तो उनके लिए कह देना चाहता हूं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। पवन जी सवाल मेरा ये, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को ना बुलाना गलत, लेकिन राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों पर गोलियां चलाना सही? देखिए उस समय की जो स्थितियां और परिस्थितियां थी, अगर आप ये कहते हैं कि गोलियां चली, अगर नहीं चली नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं ना, या मैं नहीं तो चलाने वालों पे एफआईआर क्यों नहीं कराया आपने? अगर चली थी ना, चलाने वालों पे एफआईआर क्यों नहीं? फिर पवन जी चली थी ना भाई, आपकी केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद प्रदेश में भी आपकी सरकारें बनी, करना चाहिए था। जिन्होंने उपद्रव किया एफआईआर उन पे हुआ, होनी चाहिए। जिन्होंने उपद्रव किया था, देखिए जो सरकार में रहेगा जी, निश्चित रूप से जो सरकार में रहेगा उसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की। सिर्फ उस समय की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को संभाला था, सही था, वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाला था। कोई सरकार हो, सरकार की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को संभालने की होती है। कोई भी सरकार हो, किसी प्रदेश की सरकार हो, अगर घटनाओं का जिक्र किया जाए तो बहुत से प्रदेशों में अन्य तरह की भी घटनाएं हुई हैं जी। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए गोलियां चली हैं, कानून व्यवस्था को संभालने के लिए वहां के पुलिस को, प्रशासन को, सरकारों को निर्णय लेना पड़ा है। तो कानून व्यवस्था को अगर संभालने के लिए कोई घटना कुछ होती है और उससे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार ने अपना काम किया। पवन जी अब ये चलिए, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, लेकिन जो हुआ वो दुखद, आपको अफसोस 16 कार से, देखिए मैं सवाल पूरा लेने दीजिए पवन जी, जो हुआ आपको उसका अफसोस कि गलत हुआ, दर्दनाक था, कार सेवकों की जान गई, आपको अफसोस? देखिए कोई किसी की जान जाए, किसी की जान जाए, किसी का मां है बेटा है भाई, दुखद होता है, वो एक अलग ही चीज है। कानून व्यवस्था अपना काम करेगा, किसी की भी मृत्यु हो वो दुखद है। हम मृत्यु पे कोई हंसने वाले या मजाक उड़ाने वाले लोग नहीं है। कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, किसी की जान चली गई तो किसी की जान चली गई, किसी का बेटा रहा होगा, किसी का भाई रहा होगा, वो दुखद है। लेकिन अगर सरकार है तो सरकार कानून व्यवस्था में संभालने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए अपना काम करेगी। और उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उसने कानून व्यवस्था को अयोध्या में मेंटेन करने के लिए जो करना चाहिए था, जो फर्ज होता वो निभाया था। त्रिवेदी जी देखिए कानून व्यवस्था की यही कहा था शायद स्वामी प्रसाद मौर्य ने, नहीं नहीं कर्तव्य था, नहीं नहीं मैं बताना चाहता हूं, जो कर्तव्य की बात की जाती है उसका यथार्थ बताना चाहता हूं। हम लखनऊ शहर में बैठे हैं,
हम लोगों को उस जमाने की बहुत स्पष्ट स्मृति है, विविध क्लियर मेमोरी है। 29 और 30 अक्टूबर 1990 दो दिन के लिए लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल, सारी ट्रेनें कैंसिल, सारी बस कैंसिल, कोई प्राइवेट व्हीकल भी नहीं आ सकता, सिर्फ सरकारी व्हीकल आ सकता है, ऑल एसटीडी लाइंस ब्लॉक। और मैं बीबीसी को कोट कर रहा हूं, उस जमाने में बीबीसी ने कहा था ऐसा तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में भी नहीं हुआ कि दो दिन के लिए सब कुछ कैंसिल कर दिया गया हो। और अयोध्या जाने वाली सारी सड़कों पर बैरिकेटिंग, और आपको पता है वो ऐसे नहीं बोले थे कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, जो स्ट्रक्चर था उसके चारों तरफ कांटे की बाड़ थी 12 फुट की जी, उसके बाद 7 लेयर्स ऑफ बैरिकेटिंग थी जिसमें 4 जो थी वो मेटेलिक बैंबू से और 3 लेयर्स बल्लियों की थी। इसके बावजूद वहां पर वो स्थिति बनी कि सब लोग जाने में सफल हुए। और लॉ एंड ऑर्डर की बात कहता हूं तो आपको बताऊं हकीकत क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा यह था कि 30 अक्टूबर को रात में, मैं कहता हूं दूरदर्शन और आकाशवाणी के आर्काइव देखिए, दूरदर्शन आकाशवाणी ने रात 9 बजे भी कहा कि अयोध्या में कुछ नहीं हुआ, सरयू के पुल के उस तरफ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, हल्के बल प्रयोग के द्वारा वो लोग चले गए। अगले दिन सुबेरे गुंबद पे चढ़े हुए ध्वज फहराते हुए कार्यकर्ताओं की फोटो आ गई, 31 अक्टूबर 1984 टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की फोटो देख ले जाके, कोई मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तब खिसियाहट में 2 नवंबर को गोली चलवाई गई। अब और दूसरा एक राजनीति भी थी भाई, लालू यादव जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया था अडवाणी जी को, तो मुलायम सिंह जी को लगा कि सारी दाल तो गटागट लालू जी पी गए, मुझे उनसे बड़ा सेकुलर बन के दिखाना है तो मैं क्या करूं। वीपी सिंह जी के सपोर्ट से वो बने थे सीएम, क्योंकि ज्यादा संभावना अजीत सिंह के बनने की थी नवंबर 1989 में, पर वीपी सिंह को लगा वो चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, उनका अगर स्टेटस बढ़ जाएगा तो वीपी सिंह के बराबर हो जाएंगे, मुलायम सिंह जी उनके शिष्य रहेंगे, पर गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हो गए। उन्होंने गोली भी चलवाई और वीपी सिंह को धता बता के चंद्रशेखर जी के साथ जाके मिल लिए थे। मूल राजनीति ये थी, इसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं। आखिरी सवाल पवन भाई आपसे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान देते हैं अखिलेश जी की जानकारी में होता है या उनके आदेश पर होता है वो जिस तरह के बयान देते हैं, देखो पता होता है? मतलब मैंने पहले भी आपके ही चैनल के लोगों ने मुझसे फैजाबाद में भी अयोध्या में भी पूछा था। जी 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 जी, मैंने हमेशा उन्होंने जब भी धर्म के खिलाफ या रामचरितमानस के खिलाफ भी बोला था जी। मैं समाजवादी पार्टी से और आपके मंच पर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं जी, मैंने हमेशा उनका पुरजोर विरोध किया है, तभी आपका प्रमोशन नहीं हुआ। मैंने हमेशा, मुझे देखिए मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं उसमें मैं संतुष्ट। पवन भाई स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन हो गया ठीक, कोई बात नहीं जी, जी कोई बात नहीं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो सच था मैंने कहा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था जी कि आप किसी भी धर्म मजहब पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सार्वजनिक रूप से कभी इस तरह की कोई बात नहीं करते। हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा सारे धर्म का मजहब का सारे लोगों का आदर करती है और हम भी उसमें विश्वास करते हैं। और उनका प्रमोशन जो होता है रामचरितमानस को नफरती कहने पर उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है, अभी उनका अपना भाग्य है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो भाग्य तो अखिलेश जी तय कर रहे हैं ना पवन भाई, जरा उनके भाग्य वही है, वही जो राम अभी आपने कहा ना वही है, वही जो राम रच रखा। हाँ जी हाँ जी, तो समझ लीजिए उनका भाग्य है। आखिरी आखिरी सुधांशु जी, देखिए उनको अपने भाग्य पे बड़ा भरोसा था, स्वामी प्रसाद मौर्य को याद है अभी 22 चुनाव क्या, जिधर मैं खड़ा हो जाता हूं वहीं सब जीत जाता है, आपकी बार भाजपा का बत्ती गुल हो जाएगी, क्या हुआ? और सोचिए ये व्यक्ति कहता है कि हिंदू धर्म धोखा है, जब बसपा में था तो नारा क्या था, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, जलवे से मंत्री रहे 5 साल, और इतना ही नारा नहीं था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, उसके साथ भी रह लिए, हमारे साथ 5 साल जय श्री राम करके रह लिए, अब जाके कहते हैं बदल गए। और समझिए उनके परिवार की आपने बिगाड़ कर भेजा हमारे यहां। एक मिनट सर पवन जी, एक एक करके देखिए, उनकी पार्टी की बहू यानी डिंपल यादव जी ने कहा कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, यानी उनकी पार्टी बहू उनसे सहमत नहीं है, और उनकी बेटी भाजपा सांसद है, मतलब बहू बेटी समझा नहीं पा रहे, दुनिया भर को ज्ञान देव पाणे बने हुए मेरे भाई, ये आदमी अपने आप में कितना बड़ा धोखा है जो हिंदू धर्म को धोखा कह रहा है। और अब तो भाई एक और थ्योरी है कि भैया उनका भाग्य कहीं ऐसा तो नहीं, जहां जहां चरण पड़े स्वामी के ताता बंटाधार, कुछ कुंडली उंडली दिखवा लेनी चाहिए अखिलेश जी को कि कहीं ऐसा ना हो कि निपटाने के लिए स्वामी आए वो स्वामी ना बना के दास बना दे उनको। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई आप जी, बहुत धन्यवाद जी आपका।